My question is, मेरा प्रश्न यह है, when the prodigal son came back to the father, what did he come back for? Tell me. जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास वापस आया, तो वो किस चीज के लिए आया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? Did he come back with some high spiritual reason like, oh, I've dishonored the father for so many years and so? और क्या वो कुछ उच्च आत्मिक कारण लेकर के पिता के पास आए कि मैंने अपने पिता का इतने वर्षों तक अपमान किया? क्या वो ऐसे कारणों के साथ आया? I'm pretty sorry about that and I think I should go back and ask forgiveness from him for that. No. और मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे जाकर के अपने पिता से माफी मांगना चाहिए। क्या वो ऐसे कारण से आया? नहीं। Do you know what he came back for? आपको पता है वो किस लिए वापस आया था? Food. वह भोजन के लिए वापस आया था। That's what he said. Here I'm eating all the pig's food. और यही तो उसका कहने का तात्पर्य था, मैं यहाँ पे सूरों का खाना खा रहा हूँ। If I go back to my father's house, even the servants get better food than this. क्योंकि मेरे पिता के घर में नौकर चाकर को भी इससे बेहतर खाना मिलता है। He came back for food. और वह लड़का भोजन के लिए वापस आया था। Does God receive a man who comes back for some material thing, comes to him for some material thing? क्या परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को ग्रहण करता है जो उसके पास कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए वापस आता है? Did the father kick him out and say, "No, you come back when you're repentant for the way you have dishonored me all these years, where you wasted my money"? और क्या उसके पिता ने उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि तू वापस तभी आना जब तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो और जब तू मन फिरा करके मेरे पास आए कि तूने मेरी सब संपत्ति को बर्बाद किया? नहीं। The father welcomed him. पिता ने उसका स्वागत किया। Understand, it's the only place in the Bible where it says the God runs. और ये बाइबल में केवल एकमात्र जगह है जहाँ पे कहा गया कि परमेश्वर दौड़ा। You want to see one place in the Bible where you see God running? क्या आप उस जगह को देखना चाहते हैं बाइबल में जहाँ पे परमेश्वर दौड़ा? There is only one. केवल एक ही जगह है। In Luke 15, where the Father runs. लूका 15 अध्याय में हम देखते हैं जहाँ पे पिता दौड़ के आया। To welcome a wayward son. अपने बिगड़ैल एवं उड़ाव पुत्र का स्वागत करने के लिए। And if you've been wayward all your life. और यदि आप अपने जीवन भर एक उड़ाव रहे हैं। And you take one step turning around towards your heavenly father. और आप अपने स्वर्गीय पिता की ओर आने के लिए एक कदम भी बढ़ाते हैं। I want to tell you, God will run. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर दौड़ेगा। Take 1,000 steps for one step you take towards him. और यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके तरफ 100 कदम बढ़ाएगा, 1,000 कदम। That's how much God loves you. इतना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। More eager that you should come back to his house than you are eager to come to him. और वो ज्यादा उत्सुक है कि आप उसके घर में आए बजाय इसके कि आप उसके घर में जाने को। That's the picture of running. और यही तो दौड़ने का चित्र है। Yesterday, faith is to believe that God is more eager to have me than I am eager to have him. और विश्वास यह है कि परमेश्वर मुझे प्राप्त करने के लिए ज्यादा उत्सुक है बजाय इसके कि मैं परमेश्वर को। That's been such a blessing in my life. और यह मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष रहा है। To understand this definition of faith I gave you yesterday. कि विश्वास के इस परिभाषा को समझ पाना। To believe that God is more eager to give you what he has promised, not anything. कि इस बात के ऊपर विश्वास करना कि परमेश्वर आपको वो हर चीज देगा जो उसने प्रतिज्ञा किया है, वो हर चीज नहीं जो आप चाहते हैं। But what he has promised in scripture. परंतु केवल वही चीज जो उसने वचन में प्रतिज्ञा किया है। Forgiveness. The fullness of the Spirit, holiness, शमा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और पवित्रता, overcoming sin, पाप के ऊपर जय प्राप्त करना, a place in the body of Christ, और मसीह की देह में एक स्थान, gifts to function in the body of Christ, और वरदान मसीह की देह में कार्य करने के लिए, the Father. Is more eager than you can imagine to give you all these things he's promised. और पिता आपको इन सब चीजों को देने के लिए आपसे कहीं ज्यादा उत्सुक है, आपकी सोच और समझ से कहीं ज्यादा पिता उत्सुक है। He runs. वो दौड़ता है। Always have this picture in your mind whenever you feel condemned, you feel you're so rotten and you've dishonored God so much. और आप हमेशा इस चित्र को अपने मस्तिष्क में रखें जब कभी आपको लगे कि आप
आपको दोषी महसूस हो और आपको लगे कि आपने अपने जीवन को बिगाड़ दिया है। You're taking a few steps turning towards you. Picture God running towards you. और आप इस चित्र को हमेशा रखिएगा कि जब आप एक कदम उसकी ओर बढ़ाते तो परमेश्वर हजार कदम बढ़ा करके आपकी ओर आ रहा है। Never lose this. I hope even if you never hear me for the rest of your life, I hope you'll remember this one thing I said. और चाहे आप मुझे जीवन भर इसके बाद नहीं सुने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप केवल इस एक बात को हमेशा याद रखें। For the rest of your life, picture God running towards you when you take one little turn towards Him. और आप जीवन भर इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपकी ओर दौड़ करके आएगा जब आप उसकी ओर जाने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो। Then I've given you a correct picture of your heavenly Father. और तब मैंने आपको आपके स्वर्गीय पिता का एक स्पष्ट चित्र बता दिया है। So much of insecurity. और इतनी ज्यादा असुरक्षा है। I tell you, I suffered under it for 15 years as a believer. और विश्वासी होने के बाद मैं 15 वर्ष तक असुरक्षा से जूझता रहा। Because no preacher drilled into my head that my father was running to receive me. क्योंकि किसी प्रचारक ने मुझे यह नहीं बताया था कि मेरा पिता दौड़ करके मुझे ग्रहण करने के लिए आएगा। That my father was eager to have me. कि मेरा पिता उत्सुक है मुझे प्राप्त करने के लिए। All the time I thought I'm so eager to get God, and I don't know whether He's eager to have me. मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत उत्सुक हूँ परमेश्वर को पाने के लिए, पर यह नहीं जानता था कि वह भी मुझे पाने को उत्सुक है। I must have asked Jesus to come into my heart maybe 500 times. और मैंने 500 बार से अधिक बार यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया था। Never sure. Till one day. I read John 6:37. और मुझे कभी निश्चय नहीं था कि वह मेरे हृदय में आए जब तक कि मैंने यूहन्ना 6:37 वचन को नहीं पढ़ा था। Jesus said, "Him that cometh to me, I'll never cast out." और यीशु ने कहा, वह जो मेरे पास आता उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। I said, "Lord, I've come to you hundreds of times." He said, "I never cast you out." और मैंने कहा, प्रभु जी, मैं 100 से अधिक बार तेरे पास आ चुका हूं। उसने कहा, मैंने तुझे कभी नहीं निकाला। I said, "Wow." I believed I dropped anchor that day. मैंने कहा अद्भुत है और उस दिन मैंने उस वचन के ऊपर विश्वास किया और मैंने उस दिन लंगर डाल दिया उस वचन के ऊपर. And I dropped anchor and it's my ship has never drifted from that day till today. मैं नौसेना में था और उस दिन मैंने लंगर डाल दिया और उस दिन से लेकर के आज तक मेरी नाव कभी वहां से नहीं हिली है. 56 years on one word of scripture. John 6:37. 56 वर्ष से केवल एक ही वचन पे स्थिर हूं मैं, यूहन्ना 6:37 वचन। He who comes to me, I will never reject. वह जो मेरे पास आता है, उसे मैं कभी भी तुच्छ नहीं जानूंगा और कभी बाहर नहीं निकालूंगा। I will never cast out. और मैं उसे कभी भी बाहर नहीं करूंगा।